चुनावी साल हो, नेताओं को जनता की याद ना आए, ऐसा हमारे देश में तो हो ही नहीं सकता। ऐसी जनता की याद मध्य प्रदेश के नेताओं को भी अब सताने लगी है, जिसके चलते चाहे कोई भी पार्टी हो यात्रा निकालने से पीछे नहीं हट रही है। यदि सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस जनजागरण यात्रा, जब दोनों पार्टियां यात्रा निकाल रही हों तो मध्य प्रदेश में अपनी पेट बना रहा राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ भी कहां पीछे रहने वाला था। संघ के द्वारा भी शिवकुमार कक्का जी के नेतृत्व में अन्नदाता यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है, जिसकी रूपरेखा होशंगाबाद जिले की सिवनीमालवा स्थित देवस्थान भीलटदेव में बनाई गई। ये रूपरेखा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ युवा इकाई के अध्यक्ष राहुल राज शर्मा की उपस्थिति में तैयार की गई। भीलटदेव में सभी को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश में 70% विधायक और सांसद ग्रामीण अंचलों से आते हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में जाने के बाद उनकी मानसिकता ही बदल जाती है। हम जनप्रतिनिधि नहीं, गांव-गांव में जननायक खड़े करेंगे। एक विधायक का 1.5 लाख वोटर समर्थन करता है, लेकिन जो विधायक अपने वोटर का काम ना करा सके और फिर भी वोटर उसका समर्थन करता रहे तो वो विधायक नपुंसक नहीं है, वो वोटर नपुंसक है जो अपना काम अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि से नहीं करा सका। हम सभी को एकजुट होना होगा कि विधायक सांसद की मजबूरी बन जाए कि वो वोटर का काम सबसे पहले करे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं सहित किसान उपस्थित थे। इस बात को, इस देश के नौजवान को समझना पड़ेगा, खासकर गांव के नौजवान को समझना पड़ेगा कि देश में आज कितना बड़ा आपातकाल की स्थिति है। खतरा हमें बाहर के लोगों से नहीं, खतरा हमें हमारे अपने लोगों से है। मनमोहन जी ने बहुत सही बात कही थी, इस देश की विधानसभा और संसद में 70% विधायक और सांसद ग्रामीण अंचल से चुनके जाते हैं, ग्रामीण सीटों से चुनके जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके पास हजारों एकड़ जमीन है, किसान के बेटे और किसान की बात करते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है, कुपोषित मानसिकता का शिकार हो जाते हैं और फिर उन्हें किसान नहीं दिखता, उन्हें मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद और प्रधानमंत्री पद दिखता है। इसलिए राजनीति कभी भी हमारे जख्मों को मरहम लगाने का एक समाधान नहीं है। खासकर मैं यहाँ के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, गांव के नौजवानों से, आपको किसी नेता के आगे पीछे भटकने से आपका काम हो जाए, ये सबसे बड़ी बेवकूफाना हरकत है। एक नेता जो चुनाव लड़ता है विधानसभा का, उसके पीछे 1.5 लाख वोटर होता है, वो 1.5 लाख लोग मिलकर एक विधायक को विधायक बनाते हैं, अपने दम पे नहीं बनता, 1.5 लाख लोग जाके बटन दबाते हैं तब जाके वो विधायक बनता है। उस एक विधायक से 1.5 लाख लोग अपना काम नहीं करा पाते और हम कहते हैं कि विधायक नपुंसक है। नहीं भाई साहब, एक आदमी से अगर 1.5 लाख लोग काम नहीं करा पाते तो वो 1.5 लाख लोग नपुंसक है, हम और आप नपुंसक है जो उस एक आदमी से अपना काम नहीं करा पाता। अरे हम में एकता नहीं है, सवाल ये है कि हमें एक होना पड़ेगा। अरे हम एक हो जाए और एक विधायक को घेर ले, अरे सब सूख जाएगा उसका। जैसे आप बैठे हो, दोनों हाथ जोड़ के बैठेगा, भाई साहब काम बताओ क्या करना है, ये हम में ताकत है। अगर हम 5,000 जाके कलेक्ट्रेट के सामने खड़े हो जाए तो कलेक्टर साहब पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे, एडीएम से कहेंगे यापन ले लो यार, मेरा बीपी बढ़ गया, बीवी इंतजार कर रही है, ये हालत है कलेक्टर की। अगर 10,000 लोग एसपी कार्यालय का घेराव कर ले, पुलिस कितनी हो, एसपी साहब पीआई को आगे कर देंगे, हमसे मिलने नहीं आएंगे, उनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो नहीं है। उनने सरकारी दफ्तर चलाए हैं एसी में बैठ के और हमने हल चलाया है, मजदूरी करी है, खून पसीना बहाया है तपती धूप में, तो हमारा कलेजा उनसे ज्यादा मजबूत है। अरे हम इनसे डरते हैं? अरे जो हमारे टुकड़ों पे पलता हो, जिसको तनख्वाह हम देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से उसके बीवी बच्चे खाते हैं, पीते हैं, स्कूल जाते हैं, उस भिखमंगे भिखारी से हम डरते हैं? जिस नेता को वोट दे के हम मनाते हैं, उस नेता से हम डरते हैं? करना उसे हमसे चाहिए। एक नेता के लिए मेरी कीमत केवल एक वोट की है, मैं राहुल नहीं उसके लिए, मैं उसके लिए एक वोट हूं, चल मान लिया वोट। कम से कम मेरे गांव में अगर 5,000 लोग हैं और एकत्रित रहेंगे तो नेता जी का पीए उनका कुर्ता खींच के कहेगा कि साहब काम कर दो, 5,000 लोग चले जाए। लेकिन ये ताकत कब होगी? नेताजी कहें फटाफट कर दो भाई, अरे 5,000 वोट चले जाएंगे। कलेक्टर को इस बात का अगर एहसास हो कि इस गांव के इस दादा का जो अकेला तपती धूप में चल के यहाँ आया है भूखा प्यासा, मैंने अगर इसका काम नहीं किया, कल 5,000 गांव वाले आ जाएंगे तो वो तुरंत स्टेनो से कहेगा लेटर टाइप करो, काम करो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, सुबह तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। ये ताकत हमारी है, इस ताकत को पहचानने के बजाय हम नेताओं के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं, अधिकारियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं, मत लगाओ उनके चक्कर, ताकत अपनी बनाओ कि उनसे काम कराने की हिम्मत रखो। एक वोट है कहीं भी दे दो भाई, तुम्हारा मेरा एक वोट है कहीं तो दबाएंगे नहीं, मर्जी नोटा दबा देंगे, दो जिसको देना है,
पंजा था, फूल आ गया, फिर साइकिल आ गई, फिर हाथी आ गया, झाड़ू आया, कल कर्ची आएगी, फिर हंसी आएगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुत्ते के समान है रोज बदलो। कुछ नहीं रखा इनके आगे पीछे, किसी भी नेता के आने जाने से ना इस देश में गांव का हाल बदला है ना बदलेगा, क्योंकि किसी भी सरकार के मूल एजेंडे में किसान नहीं है, इस बात को समझो आप। वो केवल और केवल उसके मैनिफेस्टो में रहता है। सब चिल्लाते हैं आने वाली सरकार गरीबों की, मुस्लिमों की, मुफलिसों की, दलितों की, किसानों की और मजदूरों की सरकार है। और सरकार बनते ही हमने तो उद्योगपति के कर्जे माफ करने की बात कही थी, किसान की तो हमने कही, ये लोग आपको अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। जो नौजवान यहां बैठे हैं उनसे केवल मेरा यह कहना है कि हमारे बुजुर्गों ने जो करा सो करा, उनकी अपनी क्या मजबूरी रही होगी, उनने हमें पाल पोस के बड़ा कर दिया, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये गुलामी हमारी नसों में सलाई गई है राजा महाराजाओं के टाइम से, उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा। काय के लिए कि गांव का आदमी अगर पढ़ लिख के सामने मेरे खड़ा हो गया तो मेरी सिंहासन न मांगे। मुगलों के दौर में भी अंग्रेजों ने हमें डिवाइड एंड रूल कहते हैं कि भाई